तो रिलेटिव मोशन का अगला एग्जाम्पल करेंगे। ये जो एग्जाम्पल है ये भी जनवरी 2019 मेंस में पूछा गया था। तो इसमें बताया गया है अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ये उसका स्पीड है और ये उसका लेंथ है। अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर व्हेन, दो केसेज हो सकते हैं, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो उसका रेशियो निकालना है। कहने का मतलब यह है कि जब सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे तब भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, दोनों टाइम का रेशियो बताना है। ठीक, तो दोनों ही केस में जब एक दूसरे क्रॉस करेंगे तो इनको एक के रिलेटिव में दूसरे को कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, पहले तो हम लोग ये समझते हैं, है ना। जैसे एक ट्रेन जो है, सपोज इसका लेंथ है L1, है ना, दूसरी जो ट्रेन है इसका लेंथ है L2। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूं इसके रिलेटिव में इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v रिलेटिव, इसके रिलेटिव में ये चलेगा। इसके रिलेटिव में चलने का मतलब है कि इसको हम लोग रोक देंगे तब इसको पास कराएंगे। तो क्रॉसिंग स्टार्ट होगा जब एक का पीछे वाला पोर्शन और दूसरे का ये आगे वाला जो है चलेगा। मैं ये मान रहा हूं सेम डायरेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, तो एक का ये वाला एंड दूसरे का ये वाला एंड पास में, तो क्रॉसिंग स्टार्ट होगा और क्रॉसिंग कंप्लीट कब होगा, जब ये वाला एंड यहां पहुंच जाएगा। ऐसे ये L2 लेंथ वाली जो ट्रेन है वो यहां पहुंच जाएगी, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, जो एंड है, वो यहां पहुंच जाएगा, है ना। तो इस ट्रेन ने इसके रिलेटिव में कितना डिस्टेंस चला, इतना चला, जिसमें से ये डिस्टेंस L1 है और ये डिस्टेंस L2 है। तो टोटल डिस्टेंस L1 प्लस L2 चला इसने उसके रिलेटिव में, है ना। उसी तरह इसके रिलेटिव में उसको चलाएंगे तो वो भी इतना ही चलेगा। ठीक, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो तो ये जो है एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए L1 प्लस L2 डिस्टेंस ही चलना पड़ेगा, है ना। तो डिस्टेंस इतना चलना है, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हो, है ना, जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो आएगी V1 माइनस V2। जैसे एक का 80 है और दूसरे का 30 है, तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये रिलेटिव वेलोसिटी आएगा जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब ये जो है ये V1 से चल रहा है, ये V2 से चल रहा है, तो V2 माइनस V1 ये आ जाएगा। उसके बाद जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए ऐड करना पड़ता है, है ना। तो उस केस में जो वी रिलेटिव आएगा वो आएगा 80 प्लस 30 यानी 110 किलोमीटर पर आवर। अपोजिट डायरेक्शन से चल रहे होंगे तो एक्चुअली में एक के रिलेटिव में दूसरा काफी तेज चलता हुआ दिखाई देगा, इसलिए ज्यादा होता है। ठीक, तो अगर पहले वाले केस में अगर हमें पता करना हो टाइम कि कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस चलना है L1 प्लस L2, यानी कि एक लेंथ दिया गया है 60 मीटर और दूसरा लेंथ दिया गया है 120। तो ये लेंथ है L1 प्लस L2 और रिलेटिव वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब कि ये एक्चुअली में हो गया S रिलेटिव और ये हो गया V रिलेटिव। तो S रिलेटिव है L1 प्लस L2, है ना, और V रिलेटिव पहले वाले केस में हमने निकाला है 50। तो L1 प्लस L2 हो गया 60 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 50 यानी 180/50। उसी तरह से दूसरे वाले केस में टाइम निकालेंगे तो फॉर्मूला बेसिक यही है, रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस जो है L1 प्लस L2 ही आएगा, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी इस बार आएगा 110 किलोमीटर पर आवर। तो ये है L1 प्लस L2 60 प्लस 120, ये है 110 यानी 180/110। तो क्वेश्चन में T1 और T2 का रेशियो पूछा गया है। T1 मतलब जब सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो कितने देर में क्रॉस करेंगे, T2 मतलब जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो कितने देर में क्रॉस करेंगे। तो T1 का वैल्यू आया है 180/50
और T2 आया है 180/111, तो 180 कैंसिल, ये हो जाएगा 11/5, है ना। तो ये जो रेशियो है वो देखेंगे ऑप्शन सी में दिया गया है ना, तो जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है।